हाय व्यूअर्स, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से यह स्ट्राइक कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र से, फिर आपको यहां पे सर्च करना होगा studio.youtube.com। देखें, ये मैंने सर्च करके रखा हुआ है। और उसके अलावा एक और अहम काम है, वो ये करना है कि आपने यहाँ पर देखें, ऊपर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आप इसको टच करोगे। इसको टच करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि आपको डेस्कटॉप साइट का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने चेक मार्क लगा देना है। यह सब करने के बाद आप अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो में आ जाएंगे, और आने के बाद आपके यूट्यूब स्टूडियो का ये जो डैशबोर्ड है आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, और जो स्ट्राइक होगी वो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है। देखें, आपको ये स्ट्राइक यहाँ पे ऐसे नज़र आएगी। अब आपने इस स्ट्राइक को कैसे ख़त्म करना है, आपने करना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक का एक स्कूल है वो कम्प्लीट करना होगा। कॉपीराइट जो स्ट्राइक है वो एक तो 90 दिन बाद ख़त्म होती है, पर उसके लिए एक कॉपीराइट स्कूल पूरा करना होता है। यहाँ पर देखें, आपको मैं इसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर टच करने के बाद इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो देखें गाइस, ये स्ट्राइक की जो डिटेल है ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर देखें, अगर आपके चैनल के ऊपर 3 स्ट्राइक आ जाएंगी तो आपके चैनल को ख़त्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट या फिर सस्पेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल 1 स्ट्राइक आ गई है, और इस स्ट्राइक को कितना टाइम हो गया ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, यह स्ट्राइक जो इस चैनल को मिली थी वो स्ट्राइक मिली थी 15 अक्टूबर 2021 को। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि इस स्ट्राइक को काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर गुजर चुका है और नया साल आने वाला है, फिर भी ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो रही, खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। इससे ये साबित होता है ये स्ट्राइक खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। 3 महीने के बाद आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक का स्कूल पूरा करना होगा, तभी जाके ये ख़त्म होगी। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये एक छोटा सा बटन है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट एक्शन। तो आप अगर इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिसने स्ट्राइक भेजी है, और आप काउंटर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं कि भाई जिसने आपको फेक स्ट्राइक भेजी है आप उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, या फिर उसके साथ रابطہ करके उससे माफ़ी मांग लें और उससे बोलें कि आप ये स्ट्राइक अपनी वापस ले लें। पर अगर आपकी स्ट्राइक को 3 महीने गुजर चुके हैं तो अब बस आपको ये करना होगा, आपको कॉपीराइट स्कूल पूरा करना होगा। यहाँ पर देखें, कॉपीराइट स्कूल पूरा करने का ऑप्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर आपको कॉपीराइट स्कूल। तो यहाँ पर देखें, छोटा सा बटन आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ये देखें, अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। अब ये स्कूल पूरा करेंगे तभी जाके ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज, चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इस कॉपीराइट स्कूल को कम्प्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसके सीधे आगे यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे, कॉपीराइट स्कूल ये आपको लिखा नज़र आएगा। तो अब आपने सिंपली इसके ऊपर टच करना है, इसके ऊपर टच करने के बाद आपका जो कॉपीराइट स्कूल है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर एक वीडियो है गाइडलाइंस के लिए कि आप कॉपीराइट स्कूल कैसे पूरा कर सकते हैं। पर मेरे पास एक बहुत अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है, जिससे आप ये कॉपीराइट जो स्कूल है इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपीराइट स्कूल का मतलब है कि यहाँ पे यूट्यूब वाले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, जिसके 5 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन कितने होंगे, 3 से 5 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे 3 भी पूछे जाएंगे या फिर 5 भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, 5 सवालों के जवाब देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, चेक आंसर्स, आंसर्स भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मेरे सवालों के जवाब सही होंगे तो मेरा कॉपीराइट स्कूल पूरा हो जाएगा, और ये सवालों के जवाब सही देने के बाद हमारे चैनल पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो आसान तरीका है कि आपको कैसे पता लगेगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। आप अगर गलत जवाब दे दोगे तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो गाइज, अब मैं आपको इन सवालों के सही सही आंसर्स बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कौन से तरीके से आप इन सवालों के सही सही जवाब निकाल सकते हो। क्योंकि देखें, यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन आए हैं ये सेम क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। जब आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आएगा, अगर आप कॉपीराइट स्कूल पूरा करेंगे तो आपसे सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हर एक से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर चेक मार्क लगाइएगा, किसी भी जवाब को आप यहाँ से चेक मार्क लगा सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आप उसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आप इस सवाल को कॉपी करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप बीच का बटन दबा के इसको बैक करेंगे और गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर देखें, आपको उस सवाल को सर्च करना होगा।
देखें सवाल को मैं पेस्ट करके सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें इसका आंसर आ रहा है रिप्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड परफॉर्म्ड पब्लिकली डिस्प्लेड और मेड इनटू अ डेराइटेड, जो बोल्ड लेटर्स हैं वही सवाल के जवाब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सवाल पूछा जा रहा है इसके जो भी जवाब हैं नीचे जितने भी लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये चारों के चार जवाब हैं इसके, तो हमें किसको चेक करना होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ दी अबोव, यहाँ पर मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी यहाँ पे बोल्ड लेटर्स हैं ये सारे जवाब हैं एक सवाल के, इतने सारे जवाब। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दी अबोव, ऊपर वाले जितने भी हैं ये इसके सवाल के जवाब हैं, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा क्वेश्चन को कॉपी करूँगा। तो गाइस यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे गूगल पे नहीं मिल रहा, तो आपको अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होगी। यहाँ पर देखें सवाल क्या है, सवाल सिंपल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे, यानी कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि आपने उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की है, कॉपीराइट जो हक है हुकूक है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, और आपको पक्का मालूम है कि आपने कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर जो चार जवाब हैं उनमें से एक जवाब है तीसरा नंबर, फाइल अ काउंटर नोटिफिकेशन। तो आप क्या करोगे, आप एक उसके खिलाफ केस करोगे। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ये कॉमन सेंस मैंने यूज़ किया तो इसका आंसर मुझे आ गया, गूगल पे इसका आंसर नहीं था। इफ़ यू मिस यूज़ यूट्यूब, तो इसका जवाब जो मुझे मालूम है ऑल ऑफ द अबू होगा, और यहाँ पर इसको कॉपी करके गूगल के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। आपको अगर किसी सवाल का कुछ आंसर मालूम हो पर फिर भी थोड़ा बहुत चेक कर लो कंफर्मेशन के लिए। तो ओके गाइस, जब आप सारे सवालों के जवाब दे दो, यहाँ पर देखें सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, चार क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों के आंसर मैंने दे दिए हैं। आप इन सवालों को देख लीजिए एक दफ़ा, अगर आपको भी ऐसे सेम सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपने ऐसे आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी कॉमन सेंस को भी यूज़ करना है, गूगल को भी यूज़ करना है, और अच्छे से सारे सवालों के जवाब देने के बाद यहाँ पर चेक आंसर्स को आपने टच करना है। तो यहाँ पर मैं चेक आंसर को टच करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर देखें पहला सवाल जो है करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन करेक्ट, फोर्थ क्वेश्चन इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फॉल्स करना चाहिए था, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखें तीन क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए हैं, एक रॉन्ग है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको आपको करना होगा डन, तो यहाँ पर मैं डन के लिए टच कर लेता हूँ। डन के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें फाइनली लिखा आ गया है देयर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल। तो अगर आप एक सवाल का जवाब गलत भी दे देते हैं तो भी आपका कॉपीराइट जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो जाता है, ये लाइव प्रूफ था आपके सामने। तो यहाँ पर मैंने खाली बातें नहीं की, आपको करके दिखाया है। यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें ये स्ट्राइक यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें रिफ्रेश का बटन ये है, तो इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर देखें ये रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पर देखें स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर स्ट्राइक का कोई नामो निशान नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।